बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में शनिवार को जनहित में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी तहसीलों में न्यायालयीन लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपसी सूझबूझ के साथ लोक अदालत में अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान एक प्रकरण में पति पत्नी दोनों के बीच पारिवारिक कलह के चलते तलाक की नौबत आ गई थी, जबकि दाम्पत्य जीवन से हुई तीन लड़कियां अपने माता पिता के संबंधों को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रही थी, जिसके चलते शासन की मनसा को आम लिजामा पहनाने के नाम पर दो पक्ष के अभिभाषकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मामले को लेकर जिला सत्र न्यायाधीश सुभाष सोलंकी ने बताया कि 10 वर्ष पहले सपना और विजय की शादी हुई, जिनके दाम्पत्य जीवन से जन्मी तीन लड़कियों के भविष्य को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, जो समाज के लिए एक मिसाल है जिससे लड़कियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। वहीं मीडिया से रूबरू सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन समाज में उपजे विवादों पर अंकुश लगाने में कारगर साबित होते दिख रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।